हेलो फ्रेंड्स, आकाश इन साइट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्काई डाइव। आज हम लोग बात करेंगे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट की, और आज डिस्कस करने वाले हैं हम लेटर्स। लेटर्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, लेटर कैसे लिखना है, और एक दो लेटर्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, राइट। रिसेंटली मैंने कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट डाला था, वहाँ पे मैंने तीनों सब्जेक्ट के रिलेशन में एक एक चैप्टर बोला था कि आप कौन सा डिस्कस करना चाहिए। आपने एसपी के लेटर्स वाले चैप्टर को चूज किया, एंड वहां पे मोस्ट ऑफ बच्चे चाहते हैं कि मैं एसपी के लेटर्स आपके साथ डिस्कस करूँ। कोई बात नहीं है, इसीलिए मैंने आपका व्यू सामने रखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे, एसपी के लेटर्स डिस्कस करेंगे। आज जितना भी होता है इस वीडियो में, मैं एक दो लेटर डिस्कस करने का ट्राई करूंगा, राइट। इन फ्यूचर भी हम लोग ये वीडियो को कैसा आपका रिस्पॉन्स आता है, आपको अगर लगता है कि नहीं हमको और लेटर्स आपसे पढ़ने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, राइट। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतना ज़्यादा चांसेस होगा कि ये हम लोग डिस्कस करें। मैंने वैसे ही देखा कि नहीं यार, बच्चे चाहते हैं कि मैं उनको पढ़ाऊँ, ये लेटर्स पढ़ाऊँ, राइट। तो इसके लिए मैं यहाँ पर हूँ। तो एक बार मैं वापस बताना चाहता हूँ कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। सबसे फर्स्ट जो आपके सामने दिख रहा है, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, थोड़ा जूम करता हूँ। यस, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों चैप्टर मिला के आपका, ये कंसिडर करो, ज्यादा करके याद रखना, 25 मार्क्स के लिए आने वाले, ताकि आपको इम्पोर्टेंस दे पाओ। इसका पर्पज यही है कि आप इम्पोर्टेंस दे पाओ चैप्टर को। सेकेंड चैप्टर जो होगा उसमें आपका इंडेक्स वाइज थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर इंक्लूड, फोर्थ एंड फिफ्थ में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो थर्ड चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 35 मार्क्स कैरी करेगा। याद रखना, अराउंड 25 मार्क्स तो थर्ड चैप्टर में से ही रहेंगे, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ 10 मार्क्स के लिए, राइट, मेरे हिसाब से। और लेटर्स 18 मार्क्स का चैप्टर है, जो कि कंपलसरी 2 क्वेश्चन लेटर के ऊपर आने वाले, तो आप समझ सकते हो, राइट। डिपॉजिटरी सिस्टम 11 मार्क्स के लिए है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट 13 मार्क्स के लिए, फाइनेंशियल मार्केट 14 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप क्या करो, पढ़ो जितना उस चैप्टर को इम्पोर्टेंस देना है, राइट। फिलहाल हम लोग मूव ऑन करेंगे कहाँ पे, लेटर्स वाले चैप्टर में, राइट। आई थिंक ये आ गया है, आ जाओ बाबा, बच्चे चाहते हैं कि लेटर में डिस्कस करो, कोई बात नहीं। डिविडेंड हो गया है ऑलरेडी, यस। करस्पॉन्डेंस विथ डिबेंचर होल्डर्स, नहीं यार, यस, मेंबर्स का आ गया है। हाँ, ये है लेटर का फॉर्मेट, इसके ऊपर वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो अलग से मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये देखो, राइट। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बस। तो कंपनी का शुरुआत में जो दिख रहा है, ये कंपनी का एड्रेस होता है, नाम एंड एड्रेस, सीआईएन, ये कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, राइट। कंपनी को एक आईडी नंबर दिया जाता है इनकॉर्पोरेशन करते हैं। कंपनी का फोन, फैक्स नंबर सेम होता है फोन जैसे, रेफरेंस नंबर कैसे लिखना है वो भी बता दिया है, वेबसाइट होगा, मेल आईडी होगा, और डेट जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो, इनसाइड जिसको लेटर लिखा जा रहा है, सब्जेक्ट लेटर का लिखना है, देन साहब इसको ये जो पार्ट है इसको सैल्यूटेशन बोला जाता है, राइट, सामने वाले को थोड़ा रिस्पेक्ट देने का। यहाँ पे जो पार्ट होगा वो मेन होगा, देखिए हर एक लेटर में ऊपर वाला जो ये वाला पार्ट है, राइट, ये वाला, राइट, ये सब हर लेटर में सेम होने वाला है, राइट, हर लेटर में सेम होने वाला है, याद रखना। और बच्चे मुझे एक सिली डाउट पूछ रहे, क्या सर ये ऊपर एड्रेस वगैरह वो सब एग्जाम में दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, एक लाइन बोल के शांत बैठेंगे कि ड्राफ्ट लेटर ऑफ दिस, राइट, कुछ भी लेटर ड्राफ्ट करो, खत्म। आपको फिर आपके हिसाब से एड्रेस लिखने, मैं बोलता हूँ अगर ये सेम लिख दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। नीचे वाला पार्ट में जो होगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा हर लेटर में। चेंज क्या होगा सर, बॉडी ऑफ द लेटर, मतलब जो डियर सर या डियर मैडम के बाद आप जो पार्ट लिखोगे वो चेंज होगा, राइट, इसकी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल हम लोग यस ये लेटर के बाद बारे में बात करने वाले, लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। तो चैप्टर नंबर 6 है करेस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स। एक वीडियो मैंने शायद बोनस शेयर इशू करने के रिलेशन में इसी चैप्टर का है, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने अपलोड कर दिया है, राइट। तो बस आपके
अब कुछ ये कि हाँ मैं ये भी डिस्कस करूँ, चलो डिस्कस किए जा रहे, सिंपल है। शेयर सर्टिफिकेट आप शेयर होल्डर को दे रहे हो, ठीक है, आप शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट दे रहे हो। आप उसको शेयर सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हो, उसने शेयर के लिए अप्लाई किया रहेगा ना कि मुझे इतने शेयर चाहिए, राइट। फिर आपने उसको डिसाइड किया रहेगा कि आप इतने शेयर मांग रहे थे हम दे रहे हैं, और उसके रिलेशन में आपको सर्टिफिकेट हम लोग क्या कर रहे हैं दे रहे हैं, बराबर। देखिए एक आधे शेयर होल्डर को, किसी शेयर होल्डर को अगर शेयर चाहिए तो उसको कंपनी को एक एप्लीकेशन लेटर लिख के भेजना होता है, फिर वो एप्लीकेशन लेटर कंपनी कंसिडर करेगा और अकॉर्डिंगली उतने शेयर उसको अलॉट करेगा, राइट। तो सब्जेक्ट से चालू होगा, बच्चा भी ध्यान दे अच्छे से, सब्जेक्ट से मैंने वापस स्टार्ट किया, इसका मतलब ऊपर कुछ भी नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, ये वाला पार्ट मैंने क्या बोला सेम रहेगा, ये आपको लिखना है हाँ प्लीज, ठीक है। सब्जेक्ट वाला जो मायना होता है, जो मेन पार्ट होता है, उसके ऊपर हम लोग को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये याद करना है हमें, ठीक है। चलिए देखिए, डियर मैडम, और लिखना भी कैसे है ये भी प्लीज अच्छे से देखना। सो दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर यूर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर 50, देखिए दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, कौन इन्फॉर्म कर रहा है, कंपनी सेक्रेटरी बाबा, हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि क्या इन्फॉर्म कर रहे हैं, एज पर योर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर 50, जैसे कि आपने रिक्वेस्ट किया था हमने कहाँ पे, एक एप्लीकेशन भेज के, जो कि एप्लीकेशन का नंबर भी 50 आपके हिसाब से कुछ भी लिख तो चलेगा। आई एम हियर बाय ऑथोराइज टू इश्यू यू, मैं मतलब कौन, कंपनी सेक्रेटरी ऑथोराइज है, मतलब पावर है उसके पास टू इश्यू यू क्या, शेयर सर्टिफिकेट। तो आपने जैसे एप्लीकेशन करके, वो एप्लीकेशन का नंबर है 50, एप्लीकेशन करके हमारे पास क्या मांगे थे, शेयर्स डिमांड किए थे, उसके हिसाब से वो शेयर्स के लिए मैं, मेरे पास पावर है शेयर सर्टिफिकेट आपको इश्यू करने का। आगे देखिए, द सेड एप्ली सॉरी द सेड सर्टिफिकेट, यहाँ पे देखिए, द सेड शेयर सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर्ड टू यू विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लेटर। ये लेटर आज मैं लिख रहा हूं ना, यहां से आपको 15 डेज में शेयर सर्टिफिकेट डिलीवर हो जाएगा। कैसे सर? देखिए रजिस्टर पोस्ट है, पोस्ट से भेजेंगे हम लोग, कहाँ पे भेजेंगे, आपके रजिस्टर एड्रेस पे भेजेंगे, वो कहाँ पे मेंशन किया रहेगा, कंपनी के रजिस्टर में जहां पे आपका डिटेल लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, द डिटेल्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट आर एज फॉलोज। तो डिटेल्स क्या है सर्टिफिकेट के रिलेशन में, देखिए फोलियो नंबर, एक शेयर होल्डर का आईडी नंबर होता है, हर एक शेयर होल्डर को अलॉट किया जाता है, राइट। आईडी नंबर है, आप आपके हिसाब से लिख सकते हो। शेयर सर्टिफिकेट मैंने बोला था, हर एक शेयर सर्टिफिकेट को नंबर रहेगा, तो शेयर सर्टिफिकेट का नंबर डिस्टिंक्टिव, हर एक शेयर को नंबर होता है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर होते हैं, राइट। तो कितने शेयर उसने लिए आप ही बता दो, 101 से अगर 200 तक है तो डिफरेंस कितना, 100 का, तो 100 शेयर उसने मांगे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आगे आपको दिख भी जाएगा 100, राइट। हर एक शेयर को डिस्टिंक्टिव मतलब डिफरेंट नंबर होता है, याद रखना ये शेयर के फीचर में आता है प्लीज, ठीक है। तो इट शल ऑलवेज आवर ट्राई टू प्रोवाइड यू प्रोवाइड बेस्ट ऑफ आवर सर्विस टू यू एट ऑल टाइम। तो हमेशा हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम हमारा बेस्ट सर्विस आपको प्रोवाइड करें, थैंकिंग यू, और लेटर खत्म होता है यहाँ पे। आप बताएं थैंकिंग यू के आगे कुछ भी नहीं रहेगा? अरे बिल्कुल रहेगा, क्या रहेगा आगे देखो, देखिए मैंने ये डिस्कस किया है ऑलरेडी, थैंकिंग यू हो गया, तो आगे ये लिखना है आपको, यूर्स फेथफुली फॉर कंपनी का नाम, साइन करेगा कंपनी सेक्रेटरी, इनक्लोजर मतलब अटैचमेंट जो कुछ भी इस लेटर में फिलहाल तो नहीं है, जो कि 15, वो तो अरे इनक्लोजर शेयर सर्टिफिकेट भेज रहे हो अभी नहीं सर, 15 दिन बाद भेजेंगे, ठीक है, मतलब 15 दिन में मिल जाएगा उसको, ठीक बात है। यस, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वॉरेंट। तो डिविडेंड शेयर होल्डर को आप पे कर रहे हो, इसके रिलेशन का लेटर हम लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है। फिलहाल के लिए आपको ये लेटर पढ़ना है, और अगले वीडियो में हम लोग वो लेटर को क्या करेंगे सर, डिस्कस कर देंगे। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको क्या ये समझा, अगर कुछ भी पॉइंट समझता नहीं तो प्लीज कमेंट कीजिए। ये लेटर इनकम्प्लीट रहेगा अगर आप वो लेटर को कंप्लीटली बॉक्स नहीं करोगे, याद रखना कभी भी ये छोटे छोटे पॉइंट से, राइट, ये डाउट आता है आपके मन में भी, तो प्लीज उसको अच्छे से कंसिडर करना। मैंने क्या ये जो फॉर्मेट डिस्कस करते टाइम क्या क्या बोला था वो बातें ध्यान में रखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना है, आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आए और कौन सा आएगा, राइट। तो प्लीज वीडियो पे कमेंट कीजिए कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड हाँ
अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, आपके डिमांड पे यहाँ पे वीडियोस अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।